नमस्कार दोस्तों, लव मंत्रा उपाय यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महाशक्तिशाली वशीकरण उपाय, जिसे करने के बाद आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। आज का जो वशीकरण उपाय है वह ताले से किसी को अपने वश में करना, वह चाहे स्त्री है या पुरुष है। जी हाँ मित्रों, घर के पुराने ताले से, जो काफी टाइम पुराना ताला हो, उससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, वह अपना मन चाहा कार्य करवा सकते हैं। मित्रों, विधि बताने से पहले मैं कहूंगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी नोट के मंत्र बता पाए। मित्रों, मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदार से शेयर करें, और ताकि हम और भी लोगों का ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए, वे उनके जीवन को सफल व सुखी बना पाए। मित्रों, घर का जो भी पुराना ताला है, यदि आपके घर में कोई भी पुराना ताला पड़ा है, चाहे वह कितना ही कायम हो, नया ताला नहीं खरीदना। यदि नहीं है आपके घर पुराना ताला, तो आप ऐसे करें कि दो दिन पहले कोई पुराना ताला लाकर घर रख लें। यह कार्य केवल और केवल आपको शनिवार के दिन करना है। शनिवार के दिन आप रात्रि में इस कार्य को कर सकते हैं, और ताले के द्वारा आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, वह चाहे कोई भी हो, चाहे आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो। बस इतना है कि आपको उसका नाम पता होना चाहिए। यदि आपको उसका नाम पता है तो आप आसानी से उसे वश में कर सकते हैं। उसका चेहरा भी आपको याद होना चाहिए, जिसे आप वश में करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको एक घर का पुराना ताला चाहिए और एक ब्लैक कलर के मार्कर की आवश्यकता है, और बाद में मैं आपको एक मंत्र दूंगा, उस मंत्र का उच्चारण करके आप इस कार्य को करें। इस कार्य को शनिवार के दिन करना, और मैंने बता दिया आपको रात्रि के समय करना, अमावस के दिन भी आप इस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन केवल और केवल आप किसी भी शनिवार के दिन रात्रि में करें, और रात्रि के 11 बजे के बाद ही करें, क्योंकि रात्रि के समय जो वशीकरण शक्तियां होती हैं वे काफी प्रचंड होती हैं। इसीलिए ज्यादातर विधियां, वशीकरण विधियां, वे रात्रि में ही की जाती है, ताकि उनका जो मनोबल है, उनकी जो शक्ति है, जो प्रबल प्रचंड जो उनका प्रभाव है, वह और भी शक्तिशाली हो और भी ज्यादा प्रभावित हो, ताकि जल्द से जल्द आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफल हो सके। तो आपको क्या करना है, एक ताला लेना है, उसके में से चाबी निकाल लें। यदि आपके पास पुराना है तो अच्छी बात है, अगर नया है तो दो दिन पहले खरीद के लिए इस कार्य को एकांत में करें। किसी से शेयर नहीं करना, किसी को बताना नहीं है, और केवल लोहे का ही ताला खरीदना है आपको, अन्य कोई भी ताला नहीं खरीदना। लोहे का ताला खरीदें आप, और आपको क्या करना है, जिस किसी को भी आप वश में करना चाहते हैं, उसका सबसे पहले आपको लॉक नहीं करना है, खुले ताले के अंदर, जैसे ही खुला ताला है उसे खुला रहने दें, और पहले उसका नाम लिखें ताले के ऊपर, जिसे आप वश में करना चाहते हैं। यहाँ नाम लिखें, और इसके बाद इसके पीछे आपको अपना नाम लिखना है। ताला आप इस तरीके का लें ताकि नाम लिखने में आपको आसानी हो, और खुले ताले पर ही आपको नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस ताले को अपने दोनों हाथों में लेना है, और आंख बंद करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें, और चाहें तो आप तेल का दीपक जला सकते हैं, तेल का मिट्टी का दीपक जलाएं, और उसके बाद आंख बंद करके उस स्त्री पुरुष का, जिसे आप वश में करना चाहते हो, उसका सिमरन करें, उसका चिंतन करें, उसकी एक तस्वीर बनाएं अपनी नजर में, और उसके बाद आपको एक मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र इस प्रकार है, ये जो स्क्रीन पर शो हो रहा है इसी मंत्र का आपको जाप करना है। ओम कुलुम कुलुम अमुक को वश्य धर कलिम कलिम स्वाहा। मंत्र में एक बार फिर से बोलने जा रहा हूँ, ओम कुलुम कुलुम अमुक को वश्य धर कलिम कलिम स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार उच्चारण करना है, और जैसे ही मंत्र उच्चारण पूरा होता है, आपको 11 बार इस ताले पे फूंक मारनी है। 11 बार लगातार 11 बार फूंक मारते, तुरंत ही जैसे आप फूंक मारते हैं, इस चाबी से इस ताले को बंद करते हैं, लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद आपको क्या करना है मित्रों, किसी भी सुनसान जगह पर जाके या पीपल के जड़ों के पास जाके इस ताले को गहरा गड्ढा खोद के, जहां से कोई इसे निकाल ना सके, गाड़ दें, और इस जो चाबी को आप किसी जल स्त्रोत में फेंकना है आपको, कोई भी जल कुंड हो, चाहे नदी है, तालाब है, उसके या कुआ है, उसके अंदर जाकर आपको इस चाबी को, इन दोनों को इकट्ठा नहीं रखना है, इस ताले को आप जाकर गहरा गड्ढा खोद कर पीपल की जड़ों में गाड़ दें, और इसे किसी भी जल स्त्रोत में चाबी को जाकर आप विसर्जित कर दें, फेंकाएं। आपका काम, जब आप ये कार्य करें, जब आप इस, तो आपको किसी से बात नहीं करनी है, ना ही आते जाते समय
और ना मुड़ के देखना है, ना ही इस बात को बार बार अपने विचार में लाना है, विचार वहीं स्थिर कर लेने और भूल जाना कि मैंने भी ऐसा कोई कार्य किया कर था, और केवल केवल जिसे आप वश में करना चाहते हैं उसके बारे में सोचेंगे आप, उसके बारे में सोचते रहें, वह आपके वश में हो जाएगा और इसका जो परिणाम है वो सुबह आपको उसी समय मिल जाएगा। मित्रों, अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं तो आप यह कार्य हमारे द्वारा भी कॉल करके करवा सकते हैं। इस मंत्र में विधि से जुड़ी अन्य जानकारी व सावधानियां जानने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ मित्रों, धन्यवाद।